गुड न्यूज है बच्चों, आप सभी सीयूईटी एस्पिरेंट के लिए ध्यान से सुनो। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब बनेगी आपकी सीयूईटी में सबसे बड़ी बैकअप ऑप्शन। मतलब जामिया ने इस साल सीयूईटी में बहुत से नए कोर्सेज ऐड किए हैं, 5 नए कोर्सेज ऐड किए हैं 2022 के कंपैरिजन में। इस साल पहले तो बात हो रही थी जामिया आएगा ही नहीं सीयूईटी में इस साल, लेकिन अब आ गया है और नए कोर्सेज के साथ उल्टा। तो आपके लिए जामिया एक बहुत बड़ी बैकअप है। बैकअप क्यों है? क्योंकि जामिया की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूं, पहले लिस्ट ऑफ कोर्सेज आपको बताता हूं कौन कौन से जामिया में आपको देखने को मिलेंगे, एंड उनके अलावा उसमें क्या-क्या पेपर आपको देना है वो भी बता देता हूं। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो और वीडियो लाइक करो। और सीयूईटी की अगर आपको तैयारी करनी है, सीयूईटी का A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन करना है ना, तो आपको घबराना नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी, सारी जगह आपको हमारी नंबर मिल जाएगी। व्हाट्सएप करो हमें कि आपकी डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, जीटी क्या है, एंड हम आपको उसी दिन से अपने कोर्स में एनरोल कर लेंगे एंड आप डेफिनेटली सीयूईटी 2023 निकालोगे जरूर। ओके, तो देखो जामिया में जो कोर्सेज है टोटल वो है भैया बीए ऑनर्स इन हिंदी, उसके लिए केवल आपको हिंदी का पेपर देना है। सुनते जाओ, सिर्फ एक एक पेपर देना है सबके लिए। तो एक पेपर देना है आपको हिंदी ऑनर्स के लिए हिंदी का, उसके बाद अगर आपको बीए ऑनर्स इन संस्कृत करना है तो उसके लिए जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको फ्रेंच ऑनर्स करना है जामिया से तो केवल जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको स्पेनिश करना है, स्पेनिश ऑनर्स फ्रेंच की तरह, तो उसके लिए भी केवल जनरल टेस्ट ही देना है और कुछ नहीं देना है। उसके बाद अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, बीए इकोनॉमिक्स करना है, तो उसके लिए केवल इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ेगा, मैथ्स का पेपर भी नहीं देना पड़ेगा, केवल इकोनॉमिक्स, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको जामिया से हिस्ट्री ऑनर्स करना है तो केवल एक हिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर बायोटेक्नोलॉजी करना है बीएससी, तो आप या तो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर दे दो, बायोलॉजी का दे दो, या फिर बायोकेमिस्ट्री का पेपर दे दो, कोई भी पेपर दे दो हो जाएगा, बस एक ही पेपर देना है। उसके बाद अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है या बीए वोकेशनल करना है सोलर एनर्जी में, तो केवल आपको फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा। इट्स नॉट फिजिक्स ऑनर्स, इट्स बीवॉक, मतलब बीए वोकेशनल सोलर एनर्जी कोर्स। ओके, उसके बाद अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है जामिया से तो केवल फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा, दैट्स इट। अब फिजिक्स ऑनर्स के लिए केवल फिजिक्स। उसके बाद आपको अगर जो नई कोर्स ऐड हुई है इस साल काफी सारी, जैसे कि आपको अगर तुर्किश ऑनर्स करना है, बी ऑनर्स इन तुर्किश, तो उसके लिए केवल जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। अब सुनो, अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है जो कि पिछले साल नहीं था जामिया से, तो केवल केमिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको मैथ्स ऑनर्स करना है तो केवल मैथ्स का पेपर और कुछ नहीं। उसके बाद अगर आपको कोरियन लैंग्वेज करना है, कोरियन लैंग्वेज ऑनर्स करना है जो कि सबसे डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज है आज के टाइम की, तो केवल आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर आपको उर्दू ऑनर्स करना है तो केवल उर्दू का पेपर देना पड़ेगा। और अगर आपको पर्शियन ऑनर्स करना है तो केवल आपको एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। मतलब जामिया में केवल एक एक पेपर आप अगर दोगे एंड उसी से आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो एक लैंग्वेज, एक डोमेन, जनरल टेस्ट, कुछ भी। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो ना, उसमें एक पेपर एक्स्ट्रा ले लो। जैसे कि जनरल टेस्ट अगर आपने दे दिया और जामिया को टिक कर दिया सीवीटी के फॉर्म में, तो आप कितने सारे कोर्सेज जामिया से टारगेट कर लोगे, समझ रहे हो? कितना बड़ा आपका बैकअप ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, और वो भी जामिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी। तो आपका किस्मत सवर जाएगा, सच बता रहा हूं मैं आपको। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको इसे नहीं छोड़ना है, और ये बहुत अच्छी खबर है। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उल्टा सीधा कोई भी कमेंट मत करना। एंड दूसरी बात, तैयारी करनी है सीयूईटी का A to Z प्रिपरेशन, तुम्हारे भैया कराते हैं, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, 2 महीने में आपका एग्जाम पूरा कवर होगा, इसकी गारंटी मेरी है अगर आप ज्वाइन करोगे तो। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।